हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मिस्टर थियल जॉनर की टॉप 5 माइंड ब्लोइंग कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें हमें से मैक्सिमम लोगों ने डैम से और मिस करके ही बैठे हो, जिनकी स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ कुछ सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स भी डाल दिए गए हैं जिसके कारण आप इन्हें अपने फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आज के हमारी इस लिस्ट में कौन कौन सी सीरीज और आखिर आप इन्हें कहां से और कैसे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, 2021 में आई कातिल हसीनाओं के नाम, जिसे IMDb पे 7.2 की रेटिंग मिली भी है। और सीरीज में आपको टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि इन सभी एपिसोड्स की स्टोरी अलग अलग रखी गई है, जिनकी स्टोरी में जनरली उन लड़कियों को रखा गया है जिन्हें प्यार में धोखा मिला है और आखिर धोखा मिलने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से कैसे बदल जाती है और इसके बाद वो आखिर अपना रिवेंज कैसे लेती है, ये सब कुछ इस सीरीज में आपको दिखलाई गई है। और हां, सीरीज को अपनी फैमिली वालों के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सीरीज में काफी जगह पे बोल्ड इरोटिक सीन्स भी डाले गए हैं जिसे आप डायरेक्टली बिल्कुल फ्री में MX प्लेयर से ही देख सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे G5 से भी देख सकते हो। किसी किसी का अच्छा और बुरा दिन आता है और जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई अच्छा दिन आया ही नहीं है। My life story is so poorly written कि मुझे लगता है कि मैंने खुद लिखी है। मनुष्यत्व का और कोई इलाज नहीं है, मुझे मरना ही होगा। नेक्स्ट नंबर 4 के प्लेस पे है 2020 में आई बेहद इंटरेस्टिंग सीरीज अफसोस, जिसे IMDb पे 7.5 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है नकुल नाम के एक ऐसे व्यक्ति की जो कि अपनी बीबी से काफी परेशान है और वो सुसाइड करना चाहता है और वो सुसाइड काफी बार अटेम्प्ट भी कर चुका होता है पर किसी न किसी रीजन से वो बच ही जाता है। इसलिए वो एक एजेंसी को खुद को मारने के लिए सुपारी देता है, पर इसी बीच उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो फिर से जीना चाहता है। और इसके बाद ट्विस्ट ये है कि सुपारी ले लेने के बाद वो गैंग किसी की नहीं सुनती। तो आखिर इसके बाद नकुल खुद की अपनी जान कैसे बचाता है, ये तो आप ये सीरीज देख रिजानो जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे डायरेक्टली प्राइम वीडियो से देख सकते हो। हमारा तो दिल आने का बात है, किसी के साथ जुड़ गए, भावुक हो गए तो जान दे दिए, नहीं तो अगले नंबर 3 के प्लेस पे 2018 में आई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज 7.1 IMDb रेटिंग के साथ स्मोक, जिसकी स्टोरी मेनली एक ड्रग्स गैंग की इर्द गिर्द घूमती है और इन्हीं ड्रग्स माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है। तो आखिर इसके बाद उन दोनों के बीच आखिर जो कुछ भी होता है ये तो आप ये सीरीज देख कर ही जान पाओगे। यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं कि ये सीरीज भी 18+ है, क्योंकि सीरीज में काफी जगहों पे बोल्ड इंटीमेटिक सीन्स भी डाले गए हैं जिसे आप चाहो तो प्राइम वीडियो से डायरेक्टली हिंदी में देख सकते हो। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सीरीज नंबर 2 पे, और नंबर 2 के प्लेस पे है प्राइम वीडियो पे हाल ही के दिनों में आई एक बेहद इंटरेस्टिंग तेलुगु थ्रिलर सीरीज धूता, जिसे IMDb पे 7.9 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है सागर नाम के एक ऐसे जर्नलिस्ट की जिसे अचानक से कुछ पेपर के टुकड़े मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और उस पेपर के टुकड़े में उसकी फ्यूचर लिखी होती है। तो आखिर इन सब के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से आखिर कैसे बदल जाती है और इसके बाद आखिर वो आगे क्या कुछ करता है, ये तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो तो ही बेहतर होगा, जिसके सस्पेंस आपको वाकई बेहद ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और अच्छी यह है कि इस सीरीज को हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो पे रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं आज की इस लिस्ट में हमारे नंबर 1 पे, और नंबर 1 के प्लेस पे है सोनी लाइव पे आई हाल ही के दिनों में एक न्यू गर्मा गर्म सीरीज चमक, जिसे IMDb पे 9.2 की काफी बवाल लेवल की रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक म्यूजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसकी स्टोरी मेनली पंजाब में चल रहे म्यूजिकल इंडस्ट्री को फॉलो करती है, साथ ही साथ म्यूजिकल इंडस्ट्री में चल रहे डार्क रियलिटी को भी दिखलाती है और बीच बीच में डाले गए सॉन्ग्स वाकई बेहद ही ज्यादा कमाल के हैं, जो कि वाकई आपको बिल्कुल भी कहीं बोर नहीं करती। यहाँ पर एंडिंग थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट कर जाती है, पर इसके बावजूद भी सीरीज वाकई बेहद ही ज्यादा कमाल की, जिसे आप सभी को एक बार जरूर देखनी ही चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। और इसी के साथ आपकी फेवरेट सीरीज आखिर कौन सी आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।